हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल आप सबको बताऊँगी। और ये जो हेयर स्टाइल मैं बताऊँगी ना, ये आप लहंगे पे, साड़ी पे, सूट पे, कुर्ती पे बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही परफेक्ट बैठेगा। और अगर यदि अपने बाल को में बॉन्स से ये बहुत ही प्यारा सा पफ देना अपने बाल में, तो आपको कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना कंघी के इस हेयर स्टाइल को झटपट से बना सकते हो। शादीवादी में अक्सर बहुत लेट हो जाते हैं तैयार होते होते, तो हेयर स्टाइल हम लोग अच्छा सा नहीं कर पाते हैं। तो आप ये हेयर स्टाइल बिना कंघी के झटपट बना सकते हो और बहुत ही प्यारा लगेगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा हेयर स्टाइल आप सबको कैसा लगा। और आगे कोई और भी हेयर स्टाइल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। इस हेयर स्टाइल में ना आप सबको बहुत सारे हेयर पिन की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से जूड़ा पिन की ज़रूरत और रबर की ज़रूरत है और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेसरीज़ वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, अगर करती भी हूँ तो इधर उधर से जुगाड़ करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर में पसंद नहीं, इसलिए मैं बहुत ख़रीदती नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे मज़ा नहीं आता ख़रीद के, मुझे जब तक मैं अपने हाथ से कुछ जुगाड़ ना कर लूँ ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। वैसे तो मैं ख़रीद के कर सकती हूँ, पर अपने हाथ से जो जुगाड़ करके करने में, और जब खासकर बहुत यूनिक लगता है वो चीज़ ना, तो वो करने में बहुत मज़ा आता है और जिसमें बहुत चार्ज पैसे भी नहीं लगते हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई करना इधर उधर जुगाड़ करने की ना, देखना बहुत अच्छा लगेगा और कुछ हटके भी होगा, बाकी लोग से अलग होगा, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है तो सबका सेम लगभग मैच ही कर जाता है। और ये इतना अच्छा हेयर स्टाइल है ना, इतना ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल है ना, अब पार्लर जाना तो भूल ही जाओगे, खुद से ये हेयर स्टाइल आप कर लोगे और बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये हेयर स्टाइल। आप ट्राई ज़रूर करना। आप सबको तो पता ही है कि शादियों का सीज़न चल रहा है, सबको हेयर स्टाइल, हर लड़कियों की हेयर स्टाइल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ और उन लोगों ने मेरे से हेयर स्टाइल पूछा, तो मैं सोचा कि चलो मैं हेयर स्टाइल का भी एक वीडियो बना लूँ और मैं क्यों ना सबको शेयर कर दूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। शो मैं ये हेयर स्टाइल का वीडियो बना रही हूँ। 4 टाइप की हेयर स्टाइल है, इसमें आप ओपन भी कर सकते हो, पोनी भी बना सकते हो और मतलब जूड़ा भी बना सकते हो। इसमें 4 टाइप का हेयर स्टाइल है, आप इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। और अगर आपको आगे और भी हेयर स्टाइल की नीड होगी तो आप सब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं इससे भी अच्छे हेयर स्टाइल आप सबको बताऊँगी। ये जो हेयर स्टाइल मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये मेरी बहुत सारी फ्रेंड लोग को पसंद आया, तो स्पेशली यही हेयर स्टाइल उन लोगों ने पूछा है। और बहुत लोग बना तो लेते हैं पर इसमें जो बॉन्स आता ना, जो पफ आता है, वो पफ नहीं दे पाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ, ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लगता है और काफ़ी यूनिक भी है, और ये हेयर स्टाइल ना हर ड्रेस पर परफेक्ट बैठेगा। आप ये जो पोनी है ना, इस पोनी में आप बहुत ही छोटे छोटे से एक्सेसरीज़ वगैरह लगा लोगे ना, हेयर एक्सेसरीज, तो वो एकदम यूनिक सा हो जाएगा। इनफैक्ट आप अगर आपकी एंगेजमेंट है तो भी आप इस तरह की हेयर स्टाइल कर सकते हो, बस बसरते आप इसमें बहुत ही प्यारी सी हेयर एक्सेसरीज लगाना, ज़रूर लगाना, ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो मैं तो जुगाड़ करके ऐसे ही लगा दी हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी शादी वादी में जाना नहीं है, बस आप लोग को दिखाना था। तो आपको कैसा लगा ये वाली हेयर स्टाइल, ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। अब मैं अपने लास्ट हेयर स्टाइल को बना रही हूँ, ये जूड़ा बना रही हूँ मैं।
फाइनली मेरा हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें दो छोटे छोटे से हेयर एक्सेसरीज यूज़ करूँगी जूड़ा को और भी प्यारा बनाने के लिए। ये देखो मैंने हेयर स्टाइल एक्सेसरीज यूज़ किया है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक ये लास्ट जूड़ा पिन रह गया था जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। मैंने अपने हाथ से खुद ही ऐसे जुगाड़ लगा के झटपट से बना लिया था। मुझे एक बार पार्टी में जाना था, मेरे पास जूड़ा पिन अच्छा सा नहीं था तो मैं बना लिया। और आप सबको अगर चाहिए होगा तो आपको मैंने जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।